हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग मार्केट विद झूमा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संडे सदर बाज़ार का ग्रीन मार्केट का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं। 12 टूटी चौक से जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे सदर बाज़ार पटरी की तरफ, तो राइट हैंड पर मिलेगा आपको ये वाली गली जो कि ग्रीन मार्केट की गली कहलाती है। उसी से आप जैसे ही एंटर करके आएंगे तो फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में ही यही भैया जी मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर 100-100 रुपीज़ में भैया ने सारा का सारा सेल लगा रखा था, जो कि गर्ल्स के लिए फ्रॉक्स था यहाँ पर। और ये जितने भी कलेक्शन थे ये सारा का सारा बिल्कुल जी हाँ 100 रुपीज़ के सेल पर ही भैया जी ने यहाँ पर लगा रखा था। अपनी गठरी में से भैया इसको निकाल रहे थे और देखिए आपको क्राउड जो कि थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये 100 रुपीज़ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर भैया के पास ये चीज़ हमेशा यही चीज़ आए, ये ऐसा फिक्स नहीं है, जैसा इनको मिलता है ये वैसी चीज़ें लेकर आते हैं। ये 500 रुपीज़ के आपको यहाँ पे गाउन मिल जाएगा और इस टाइप का एक लहंगा विद साड़ी जैसा होता है ना, तो वो है यहाँ पर 500 रुपीज़ की रेंज पर आपको मिलने वाला है ये सब आर्टिकल्स। यहाँ पर हर हफ्ते यहाँ पर नए नए आर्टिकल्स आते हैं, रिपीटेड बहुत कम होते हैं। किसी किसी भैया के पास रिपीटेड इसलिए हो सकते हैं कि उनका सेल आउट नहीं हुआ तो वो रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली कलेक्शन इस मार्केट के ना हमेशा ही चेंज होते रहते हैं। और ये देखिए 100 रुपीज़ का यहाँ पर आपको ये स्कर्ट यहाँ पर मिलने वाली है, यहाँ पर ये पटियाला सलवार है, अलग अलग पीसेस रखे हुए हैं भैया जी के पास। और इन्हीं के सामने हैं ये वाले भैया जो कि 50 रुपीज़ में, देखिए ये आपको लोअर मिल जाएगी यहाँ पर, 13 साल तक के बच्चों के लिए बॉयज़ के लोअर्स मिलने वाली है। शर्ट मिल जाएगी, टी शर्ट मिल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसको छांट सकते हैं। 230 रुपीज़ मीटर का ये फैब्रिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा सिक्वेंस का काम है। इस पर देखिए एम्ब्रॉयडरी की गई है बहुत अच्छे तरीके से और नेट का इसका फैब्रिक रहेगा। 230 रुपीज़ मीटर रहने वाला है यहाँ पर, अच्छा खासा कलेक्शन रहने वाला है के पास। और मैंने आपको कलर ऑप्शंस दिखा दिए हैं, ये ग्रीन, येलो और पर्पल कलर, लाइट पिंक कलर, बेबी पिंक कलर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और 40 रुपीज़ का ना इस टाइप का आर्टिकल भैया जी के पास था, 40 रुपीज़ मीटर था, ये कट पीस था भैया जी के पास। अगर ये 1 मीटर होगा तो आपको 40 रुपीज़ का मिल जाएगा, उससे थोड़ा कम मीटर हुआ तो भी आप मतलब 40 रुपीज़ ही आपको पे करना पड़ेगा मीटर के अकॉर्डिंग, और चाहे वो 1 मीटर हो, 1.5 मीटर हो या फिर वो आधा मीटर हो, तो आपको 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही पैसे पे करना है। ये सारा का सारा कलेक्शन 40 रुपीज़ में ही रहने वाला है। और ये वाला फैब्रिक जो कि यहाँ पर अभी तक तो बहुत है ये वाला फैब्रिक भैया लोगों के पास, क्योंकि पूरा का पूरा थान है जैसे कि आप देख सकते हैं। ऊपर वाली रो का आपको 100 का मिलेगा, जो बीच में जो रो है वो 150 की रहने वाला है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंटेड वाले कपड़े मिल जाएंगे। ये देखिए आप इसका समीज़ बना सकती हैं, लाइनिंग आप बना सकती हैं, जैसे कि भैया के पास अभी नेट वाले फैब्रिक है ना, तो उसी के लिए आप लाइनिंग में ऐसे यूज़ कर सकती हैं। ये गोटा पट्टी वाला आपको यहाँ पर जो कि 50 रुपीज़ मीटर में मिल जाएगा, और कलर ऑप्शन आपको ये सब मिलने वाले हैं 50 रुपीज़ में। ये ऑर्गेन्जा आपको मिलेगा और काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हैं इसमें। ऑर्गेन्जा में भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और कलर्स जो होते हैं ना इससे बहुत ज़्यादा निखर कर आते हैं। ये जो आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ये भैया के पास ना बहुत है, अभी बल्क टू बल्क है ये ड्रेसेस, यहाँ पर 350 से लेकर 500 तक की रेंज में आपको भैया जी के पास जो कि मिल जाएंगी। ये सारा का सारा ये मैं कलेक्शन आपको इनका दिखा रही हूँ आपको भैया जी के पास। अभी भी बहुत सारे काफ़ी सारे पीसेज ना भैया के पास रखे हुए हैं, इससे पहले भी भैया जी यहाँ पर लहंगे वगैरह सेल आउट कर रहे थे। ये जो आप पीस देख रहे हैं ना ये आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ का मिलने वाला है, जो कि ये बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं ना जैकेट के शेप में था। और ये इसका कलर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कलर्स इसके ये वाले इस टाइप के रहने वाले हैं। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग भी बहुत ही सुंदर है और फिटिंग्स वगैरह भी काफ़ी गजब की थी इनकी। और ये यहाँ पर ये वाले फैब्रिक की जो आप देख रहे हैं ये ब्लाउज के पीसेज आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ में मिलने वाले हैं, 200-250 में अदर्स भैया के पास भी हैं। इस टाइम पर काफ़ी सारा कलेक्शंस आया हुआ है भैया जी के पास, और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कलर्स मिलते हैं ना इतनी कम दामों में कि विश्वास ही नहीं होता कि वाकई में कि इतनी ऐसी चीज़ें इतनी कम प्राइस पर यहाँ पर मिल सकती हैं। और ये देखिए ये
स्टार्टिंग में जब मैंने आपको दिखाया होगा तो ये पहले 550 की थी, फिर ये 350 की हुई, अब ये 250 की हो चुकी है। तो जैसे जैसे होता है ना कि मतलब चीज़ें जब सेल आउट नहीं होती हैं तो धीरे धीरे इनकी जो प्राइजेज है ना वो ड्रॉप होते चले जाते हैं। ये 500 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये आई थिंक ये सेल आउट भी हो चुका है अब तक। इस तरह के कुछ लहंगेज अभी हैं भैया जी के पास और मे बी ये नेक्स्ट टाइम भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसी के लिए वो ब्लाउज पीस भी दिखाया था जो कि 200 रुपीज़ का था, कितना अच्छी उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह की गई थी मोती से, करदानों की, हर एक तरीके की उसमें ब्लाउज में अच्छे से अच्छा वर्क किया गया था, एम्ब्रॉयडरी वाला जिसे कहते हैं अड्डा आरी वाला वर्क, वो वाला काम आपको मिल जाएगा। बट वो आपको ना अलग से लेना पड़ेगा, ये सिर्फ लहंगा ही लहंगा आपको 250 का मिलने वाला है, ब्लाउज आपको अलग से लेना पड़ेगा। और दुपट्टों का ढेर भी इन्हीं का ही है, स्टार्टिंग में जो मैंने श्रग वगैरह दिखाया था वो भैया जी, ये स्कर्ट वाले भैया और ये दुपट्टे वाला छोटा सा भाई है ये, और ये तीनों एक ही है। और बस ये शॉप ये अलग अलग लगाते हैं। ये सारे के सारे जो भी आप दुपट्टे देख रहे हैं 60 रुपीज़ की ढेर पर है, बहुत ढेर रखा हुआ है इनके पास, बहुत बहुत। और सभी दुपट्टे ना एक से एक है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार भी नहीं, मतलब पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। और 60 रुपीज़ सिर्फ इनके प्राइस रहने वाले, ये देख लीजिए आप इनकी, और सारा का सारा फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि पुराना है इसीलिए ये सस्ता है, बिल्कुल नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये वाला मैं अपने घर पर लेकर आई हूँ अपने लिए, और सिर्फ 60 रुपीज़ की रेंज पर, कहीं पर कुछ दाग धब्बा कटा फटा कुछ भी नहीं है, 60 रुपीज़ का मिलेगा। जो लेंथ होती है ना दुपट्टे की 2.25 मीटर, वो पूरी मिलने वाली, विड्थ बहुत अच्छी है। और इसी के पास ही बैठा हुआ था ये छोटा सा एक लड़का, यहाँ पर 40 रुपीज़ मीटर रहने वाला है, और उस पर ना इस टाइप का आपको डिज़ाइन मिलेगा। हो सकता है उसमें आपको दो मतलब ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक का डिज़ाइन मिल जाए, या फिर एक फ्रंट का डिज़ाइन मिलेगा, या फिर एक बैक का डिज़ाइन होगा और एक स्लीव होगा उसमें, तो 40 रुपीज़ मीटर मिलेगा आपको यहाँ पर। और भी इनके पास ऐसे काफ़ी सारे कट पीसेस थे जो कि 40 रुपीज़ की रेंज पर ही सेल आउट कर रहे थे। और ये सारे इनके कलर्स ऑप्शंस यहाँ पर देखिए रहने वाला है, ये नेट के फैब्रिक में है और ये भी आपको 40 रुपीज़ मीटर के हिसाब से ही मिलेगा। और मैंने ये फिर अब यहाँ पर, जैसे कि आयु भैया पहले यहाँ पर आते नहीं थे, अब भैया फिर से आने लगे हैं यहाँ पर, तो इनका कलेक्शंस मैंने आपको दिखा दिया है। प्राइजेज की अगर मैं बात करूँ तो भैया ने तो मुझसे यही कहा कि कोई सा भी हो, सभी के प्राइजेज जो है वो 4000 रुपीज़ ही रहने वाले हैं। बट जो अदर्स यूट्यूबर्स थे उनको वो डिफरेंट डिफरेंट बता रहे थे, बट आई डोंट नो उन्होंने मुझे क्यों बोला कि ये सारे के सारे 4000 रुपीज़ का ही है। और ये इनके सामने है आयु भाई के, ये 1500 का आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ये सारा का सारा जो भी ये कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ ना आपको, तो ये सारा का सारा 4000 तो मुझे भैया ने बताया है और वही मैंने कोट किया है, अपने आप से कुछ नहीं किया है। और ये देखिए इसके मतलब डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे और भैया वैसे भी कस्टमर भी संभाल रहे थे, तो मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम उनसे पूछा ही नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि सारा का सारा जी हाँ 4000 है 4000, तो मैंने 4000 ही कोट कर दिए हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन इनके पास इस बार आए हुए हैं भैया जी के पास, और वैसे भी इनके पास ना हर हफ्ते नया हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और इसी गली में ना बहुत सारे भैया हैं, सुल्तान भैया, सलमान भैया, मतलब काफ़ी सारे हैं जिनके पास, जो इसी में ही डील करते हैं। सिर्फ यही भैया नहीं, आप अगर आएंगे ना तो आपको बिल्कुल अंदर तक काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, एक से बढ़कर एक सभी के पास है। ऐसा नहीं कि मतलब इन भैया का बेकार नहीं, इनका भी बहुत अच्छा है, और अदर भैया भी ऐसे ही इसी टक्कर का मटेरियल मतलब गाउन वगैरह रखते हैं। ये जो आप गाउन देख पा रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पर 2500 रुपये में मिलने वाला है, 2500 का यहाँ पर मिल जाएगा। और थोड़े बहुत ही बैग के कलेक्शंस लेकर आए थे भैया, बहुत कम था, रेयर था, जो कि मोस्टली तो बिकी गए थे इनके पास। 200 रुपीज़ का है ये, और जिप वगैरह इसमें काफ़ी सही थी, बिल्कुल पॉलीथीन पैक था। और क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये येलो वाला जो थोड़ा सा पर्पल कलर का डिज़ाइन में है, ये 1000 रुपीज़ की रेंज पर था। अभी बिल्कुल इस गली से बाहर निकल के सामने है ये वाले अंकल जी, क्योंकि ये जो मैं कलेक्शन दिखा रहा हूँ ना आपको, ये आपको 750 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये भी लॉन्ग गाउन है और ये इन अंकल जी का कलेक्शंस है यहाँ पर। और ये सारे देखिए वही आयु भाई जी की शॉप के सामने ही, जो उन्होंने हैंगर पर टांग रखा है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ इनके कलेक्शंस। और फिर इन्हीं जो मैंने अभी आपको अंकल जी दिखाए,
उन्हीं के बिल्कुल पास में बैठे ये वाले भैया, 100 रुपीज़ का मीटर रहने वाला है। पना की बात करूँ 60 और 80 तक का इसका पना रहने वाला है और 100 रुपीज़ मीटर रहेगा ये पूरा का पूरा फैब्रिक यहाँ पर। आप कोई सा भी ले लीजिए इनसे, वही प्राइस रहेगा। और इन्हीं से ही आगे बढ़ रही हूँ, भैया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे, ये देखिए सारा का सारा जो भी इनके पास ये वाला फैब्रिक है ना, ये 80 रुपीज़ मीटर रहेगा भैया जी के पास। सारा का सारा कलेक्शन 80 रुपीज़ का ही रहने वाला है। और जिसे कहते हैं चंदेरी टाइप, ये वैसी वैसा है ये। और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स थे भैया जी के पास, जैसे कि ये वाला, मतलब ये मुझे कलर्स अच्छा लगता है, ये कलर भी है, मल्टी कलर में भी था। और येलो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, सारा का सारा ये आपको ना 80 रुपीज़ का ही यहाँ पर भैया जी के पास से मिलने वाला है। भैया के सामने है ये वाले भैया, जो कि ये वाला गाउन भैया 2500 रुपीज़ का भैया ने बताया है और 2500 का इनका प्राइस रहने वाला है। ये भैया भी हमेशा बहुत ही रीजनेबल और जेन्युइन प्राइस पर ही अपनी ये सारे के सारे आर्टिकल्स ना सेल आउट करते हैं। ये देखिए जो ऊपर टंग रहे थे ये थे, हैंग थे 700 रुपीज़ का। मतलब इन भैया के पास ना रेट जो होते हैं ना जेन्युइन होते हैं। और जो गाउन वाली पूरी गली है ना, तो वहाँ पर आयु भैया के रेट जो होते हैं ना वो जेन्युइन होते हैं। अदर्स के थोड़े बहुत फिर भी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई कर देते हैं, तो आपके उसके लिए बार्गेनिंग उनसे करनी पड़ेगी। और ये देखिए ये फैब्रिक मिल रहा था जो कि 100 रुपीज़ मीटर था, और ये आप इसे ना एज ए लेस यूज़ कर सकती हैं आप। और ये देखिए कतरन में कट पीसेस में थे ये सारे के सारे, 10 रुपये मीटर का रहने वाला है ये लेस। आप अपने सूट के अकॉर्डिंग मिलता जुलता, या फिर साड़ी के अकॉर्डिंग या लहंगे के अकॉर्डिंग मिलता जुलता फैब्रिक लेकर आप स्टिच करवा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये की रेंज पर मिलने वाला है आपको ये वाला लेस। और जो मैंने आपको फैब्रिक दिखाया वो 100 रुपीज़ रहेगा यहाँ पर। और इस बार ना ग्रीन मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे साड़ियाँ आई हुई हैं, वो भी बहुत ही सस्ते और रीजनेबल प्राइस पे। ये जो जितनी भी मैं आपको साड़ियाँ दिखा रही हूँ ये 150 रुपीज़ की रेंज पर रहने वाली हैं यहाँ पर अंकल जी के पास। और ये सारा का सारा कलेक्शन बिल्कुल नया और फ्रेश कलेक्शन है, यूज बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसमें कितनी अच्छी से इसमें मतलब वर्क है, फिनिशिंग है इसमें। ये देखिए बनारसी टाइप की साड़ी है ये वाला, और ये भी बहुत देखिए ये हैवी वर्क में रहने वाला है। जो ये वाली साड़ी ना बिल्कुल हैवी है। जैसे जैसे फेस्टिवल स्टार्ट होते जा रहे हैं, अंकल जी भी यहाँ पर और बाकी भैया लोग भी ना अपने कलेक्शन बहुत ही अच्छे अच्छे लेकर आ रहे हैं। इन अंकल जी के पास भी ना पहले बहुत काफ़ी टाइम पहले बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई थी, फिर बीच में बिल्कुल बेकार आने लग गई थी, और अब फिर से अंकल जी ने अच्छे अच्छे कलेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। और बारा टोटी चौक की जो मेन मार्केट है ना, मतलब बारा टोटी चौक जो मेन रोड है, वहाँ पर भी एक भैया जी भी बैठते हैं और अंकल जी भी बैठते हैं, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी का कलेक्शन है। ये देखिए धूप छाँव के शेड में था ये, और इस टाइप का सारा प्रिंट इसमें रहने वाला है। जो कि ये आपको ये वाली साड़ी ना 100 रुपीज़ की थी, और ये वाला भी जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये भी 100 रुपीज़ की रहने वाली है अंकल जी। 100 और 150 इस दो प्राइस पर ही ना सेल आउट कर रहे हैं। ये भी 100 रुपीज़ वाली साड़ी है, जहाँ से मैंने आपको बताने स्टार्ट किया 100 वहाँ से स्टार्ट है। उससे पहले मैंने जितने भी कलेक्शन आपको दिखाया वो 150 रुपीज़ की रेंज पे था। और ये इस टाइप की मतलब ये लेसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि स्टार्टिंग भैया के पास से 10 रुपीज़ से हो जाती है, जो कि बिल्कुल सिंपल सोवर वाली होती है ना। ये देखिए गोटा पट्टी, ये आपको 3 रुपये मीटर मिल जाएगी। और जो फैंसी वाली है ना, वो आपको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, उसमें से कट करके आप सोचें कि 5 मीटर 10 मीटर, बिल्कुल भी नहीं। आपको जितना वो पूरा पूरा बंडल होगा वो पूरा ही आपको परचेस करना होगा। ये वाले जो है ये कट के आपको मिल जाएंगे, बट वो फैंसी वाले बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और इनके उनके प्राइस आप समझ लीजिए 100 तक 100 120 150 तक की रहने वाली है। तो इस टाइप के लेसेस ना यहाँ पर बहुत मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लेसेस एक से बढ़कर एक यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो ये कुर्ता मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको यहाँ पे 150 का मिल जाएगा ग्रीन मार्केट में 11 नंबर गली में। जैसे ही आप 12 टूटी चौक से एंटर करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड में ये वाले यहाँ पर अंकल जी मिलते हैं, जो कि 150 और 100 ये इसी दो प्राइस पे ना ये अपने आर्टिकल्स को सेल आउट करते हैं। अगर ज़्यादा बहुत अच्छा आ गया तो ये थोड़े से उसके प्राइस बढ़ा देते हैं, उसे 200 या 250 कर देते हैं, बट उससे ज़्यादा महंगा नहीं करते हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये देखिए समीज टाइप में है ये, और सिर्फ 20 रुपीज़
इसका प्राइस रहने वाला है। और ये ब्लैक कलर्स के शेप में था, बहुत अच्छा इसका जो फैब्रिक था वो बिल्कुल प्योर कॉटन में रहने वाला है। और बिल्कुल जैसे कि भैया ना मोस्टली ना एक्सपोर्ट के जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो सेल आउट करते हैं, इनके पास जितना भी फैब्रिक आता है ना मोस्टली एक्सपोर्ट वाला ही आता है, जैसे होता है ना एक्सपोर्ट कंपनी के कहीं से वो रिजेक्ट हो जाता है या हल्का फुल्का कटा फटा होता है उस टाइप में भैया जी ना डील करते हैं, उसी टाइप के फैब्रिक लेकर आते हैं हमेशा और उसी को ही सेल आउट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स वगैरह और डिजाइन वगैरह कभी कभी तो बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। वैसे इनका कलेक्शन आपने देखा ही है, एक से बढ़कर एक हमेशा मिलेगा, बट कभी कभी तो बिल्कुल गजब के कलेक्शंस लेकर आते हैं। ये सारा का सारा देखिए, ये 100 रुपीज का है और बिल्कुल एक्सपोर्ट का है। अगर भैया जी की लोकेशन की बात करूँ तो ये बिल्कुल देखिए टी पॉइंट रहने वाला है ये, और ये जिसे कहते हैं इस गली की एंडिंग पॉइंट है और यहीं पर ही ये भैया जी यहाँ पर लगाते हैं। अगर आप बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो वो 11 नंबर गली अंदर की तरफ चली जाती है। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ना कट पीसेस मिल रहे थे जो कि साड़ी के थे। इसमें जो मीटर्स की बात करूँ वो 3.5 मीटर का था या फिर 4 मीटर की भी थी इसमें कुछ कुछ, बट ये पूरी की पूरी साड़ी नहीं थी और फैब्रिक सब ना बिल्कुल एक से एक थे। ये रेड वाला आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत पीस था यहाँ पर, और सिर्फ ये ना 100 रुपीज़ की रेंज पर यहाँ पर मिल रहा था। और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्राइट्स वाले कलर थे, ये ब्लू वाला कलर देख ले कितना सुंदर था। बस ये ना बस पूरा नहीं था ये, बट ये फिर भी ना यहाँ पे बहुत सेल आउट हो रहा था। जिनको जैसे समझ में आ रहा था, जिनको स्टिचिंग आती थी उनको पता था कि इसका वो क्या बना सकती हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी ना सेल आउट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। जो भी परचेस कर रहा था कम से कम 3-4 पीस तो परचेस कर ही रहा था। और ये रेड वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये सबसे छोटा पीस यही वाला था। ये इवन ये 2 मीटर या फिर 2.5 मीटर का ये पड़ा हुआ था ये वाला फैब्रिक, और बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे कलर्स होते हैं। इंद्रलोक में भी ऐसे ही फैब्रिक बहुत मिलते हैं। ये देखिए ये बोर्ड है, जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे ना तो आपको ना यही वाला बोर्ड ना मिलने वाला है यहाँ पर। और ये देखिए बिल्कुल बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर का जो लोकेशन या थोड़ी सी रहेगी ना वो इस टाइप की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और ये सारे भैया लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो ये फैब्रिक स्टार्टिंग से ऐसे ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसी गली से ही आपको अंदर की तरफ चले आना है। और यहीं से देखिए मैं जैसे इस गली में एंटर करने की तरफ ना मैं बिल्कुल राइट की तरफ हो गई हूँ, जो कि ये वाला जो मतलब अगर मैं बताऊँ तो ये जो गली है या फिर ये रोड जैसा होता है ना, मेन रोड से नहीं है, मेन रोड के थोड़े अंदर हूँ मैं, और ये आर के आश्रम की तरफ जाता है ये वाली गली या फिर ये वाला रोड जो है ना आर के आश्रम की तरफ, तो उसी गली में मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पर ये फैब्रिक मिल रहा था 35 रुपये मीटर, मीन्स 35 रुपीज़ मीटर का ये फैब्रिक मिलने वाला था। फैब्रिक में कुछ भी कमी नहीं थी, कलर्स इतने अच्छे अच्छे थे। अगर मैं थोड़े से फैब्रिक की बात करूँ तो ये ना पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स था, मतलब पॉलिस्टर और कॉटन दोनों मतलब चीज़ें इस पर मिक्स थी उस वाले फैब्रिक में था ये वाला कपड़ा। और ये देखिए सारा का सारा 35 रुपीज़ मीटर आपको मिलने वाला है। पना की बात करूँ तो पना जो है इसका 60 रहेगा। और डिज़ाइंस ना डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, मतलब जैसे एकदम बूटी में छोटे छोटे फ्लावर्स के डिज़ाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और फिर देखिए ये वाले भैया हैं ये, जिसे इसे बाटी प्रिंट बोला जाता है, रियोन के फैब्रिक में था ये, बहुत अच्छा था। और रियोन में भी बिल्कुल सॉफ्ट वाला, जिसे कहते हैं ना टच करने पे एकदम मतलब सॉफ्टनेस से एक फील होता है, वो वाला फैब्रिक था ये, और सिर्फ 8 रुपीज़ में था। और इसके ना कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे थे, जैसे आप देख रहे हैं पर्पल, ग्रीन, रेड, ब्लू और मतलब बेबी पिंक वाले में, ये सब इसके कलर ऑप्शंस यहाँ पर रहने वाले थे। और अदर्स देखिए यहाँ पर ना इस टाइप के ना थान के कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत है। ये दूसरे ये अदर्स भैया हैं, मतलब आमने सामने का ही कलेक्शन अब मैं आपको दिखा रही हूँ। 100 रुपीज़ मीटर रहेगा। और पना की बात करूँ तो पना इसमें 80 था, पता है 80 पना का मतलब ये होता है ना कि आप इनसे 1 मीटर या 1.25 मीटर में ना, 1.25 मीटर में ना आपका अच्छा खासा एक कुर्ता निकल सकता है बहुत ही इजीली। और ये वाला है, ये वाला जो है ये महंगा है, ये आपको यहाँ पर 300 रुपीज़ का मीटर मिलेगा ये वाला। और इसकी पने की अगर मैं बात करूँ तो 60 रहने वाला है इसका पना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए 60 रहेगा इसका पना। और ये इसके ये मतलब डिज़ाइन अलग है, बट चिकनकारी में ही है ये सारा का सारा। ये वाला देखिए ब्लैक में आपको मिल जाएगा इसका, और व्हाइट वाले का डिज़ाइन जो वो सेम रहेगा। ये एक व्हाइट है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, इस येल्लो वाले का डिज़ाइन भी आपको डिफरेंट यहाँ पर मिलने वाला है। और जो कि मैंने बता दिया है ये मीटर के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, थान का कपड़ा है। और ये डिज़ाइन में भी इन्हीं भैया जी के पास इस डिज़ाइन के भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा कलेक्शंस इनके पास रखा हुआ था। और खैर ये तो यहाँ पे पूरी मार्केट ने यही, आप अगर इसे
मतलब इसे मंडी भी बोलते ना, तो बिल्कुल इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। और ऐसे ही ना कुछ नज़ारा होता है सीलमपुर में, वहाँ पर भी इतना फैब्रिक आता है ना, इतना फैब्रिक आता है ना भैया, लोग मतलब बहुत ज़्यादा फैब्रिक उससे रिलेटेड हर एक आर्टिकल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर पैच वर्क वगैरह, स्टिचिंग का सारा सामान सब। और ये देखिए, ये भी एक कलर है जो कि मेहंदी कलर में था, ये वाला देखिए रियोन के फैब्रिक में था, बहुत सॉफ्ट वाले में। ये भी बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल शाइनिंग था, रियोन में बिल्कुल शाइनिंग दे रहा था ये, इतना अच्छा ये इसका फैब्रिक रहने वाला था। और ये खादी जिसे कहते हैं नीलम के खादी कॉटन में, ये उसमें था, 120 रुपीज़ मीटर था ये वाला फैब्रिक, बहुत ही सुंदर था। और अभी तक भी ये भैया के पास डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली इसलिए होगा क्योंकि भैया के पास काफ़ी सारा थान था, इसीलिए भैया के पास अभी तक भी थोड़ा बहुत ज़रूर बचा हुआ होगा। और अदर देखिए इस टाइप के आपको मिल जाएंगे, ये भी देखिए प्रिंट कितना सुंदर और कितना खूबसूरत ये रहने वाला है। इसका पना भी बहुत बड़ा ही था, 120 रुपीज़ देखिए मीटर था इनके पास। और भैया के पास इसका भी ना काफ़ी सारा कलेक्शन रखा हुआ है भैया जी के पास, 120 रुपीज़ मीटर ही है इन भैया जी का। ये देखिए मैं आपको गली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, सामने एक एडवोकेट का बोर्ड भी है। और ये यहाँ पर ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत गजब का फैब्रिक था सच में, बहुत फिनिशिंग के साथ इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी, नेट का इसका फैब्रिक रहने वाला है। और ये पूरी ऑल ओवर ये वाला काम ना आपको पूरे कपड़े पे मिलेगा, आप इसको एज ए साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लेंथ थी, पूरी पूरी इसमें लेंथ थी। और सिर्फ 250 रुपीज़ मीटर में था ये। और काफ़ी मतलब बार्गेनिंग करने के बाद एक मैम जो मेरे पास में ही खड़ी है इस टाइम, उस मतलब उस टाइम पर खड़ी थी, और ये इन्होंने 220 रुपीज़ के मीटर के हिसाब से भैया से लिया था। भैया ने 200 बिल्कुल भी नहीं किया था, काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद भी। और ये भी ये वाला देख लीजिए, मतलब फैब्रिक तो मैं आपको ये कहूँ ना कि थान के कपड़ों के जो फैब्रिक होंगे ना, वो एक से बढ़कर एक मिलेंगे। ऐसा हो जाएगा ना आपको, ये इन जैसा पैसे आप लेकर ज़रूर आएंगे यहाँ पर, आप इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी ना, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं कौन सा परचेस करूँ, मतलब कौन सा लूँ, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। मतलब ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पे यही सिचुएशन मेन आती है कि डिसाइड नहीं कर पाता है कोई कि हमें लेना क्या है। और इतने अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन होते हैं ना कि बस देख, एक होता है ना कुछ वैसे हो तो एकदम से अच्छा दिख जाता कर लेते हैं, बट यहाँ पर एक से बढ़कर एक है सभी के पास। और ये यहाँ पर 20 रुपीज़ के आपको इसमें ब्रा है, पैंटी है, छोटे बच्चों की बनियान मिल जाएंगी, निकरें इसमें मिल जाएंगी, बस आपको छाटना है 20 रुपीज़ के 20 रुपीज़ के इस ढेर से। और जो कि ब्राज और पैंटीज वगैरह लेडीज़ की यहाँ पे लेडीज़ गारमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है। और इन्हीं के सामने है ये वाली आंटी, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट का सामान ही सेल आउट करती हैं। और ये देखिए इनके पास ना इस टाइप के मैट, आपको बहुत बड़े बड़े मैट्स मिल जाएंगे, रग्स वगैरह मिल जाएंगे, टावल वगैरह होते हैं इनके पास, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सारा आर्टिकल्स होता है। कुशन कवर आपको इनके पास 30 रुपीज़ का 50 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा, रनर मिल जाएगा आपको बेड के साइड में बिछाने के लिए यहाँ पर इनके पास। और ये देखिए जॉर्जेट के फैब्रिक में है ये वाला फैब्रिक यहाँ पर। और ये सारे के सारे कलेक्शन आपको इस मंडी में, अगर मैं बोलूँ ना इसका नाम मंडी, ग्रीन मंडी, तो इसमें कोई फ़र्क है, मतलब कुछ इस पर बुरा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये देखिए इस टाइप के आपको ना ये थोड़े बहुत कलेक्शंस भी यहाँ पर काफ़ी सारे मिलेंगे, एक से बढ़कर एक कलेक्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये मैं आपको जितने भी दिखा रही हूँ, ये सूट टॉप सब इसमें ना मिक्स है, कुर्ता वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, 100 रुपीज़ की रेंज यहाँ पर रहने वाली है। हौजरी के फैब्रिक में मिल जाएगा आपको, कॉटन में मिल जाएगा इसमें, और जो एक क्रैप का एक कपड़ा आता है उसमें भी आपको मिल जाएगा, और 150 रहेगा यहाँ पर। स्टॉल वगैरह मतलब सब कुछ ना इसमें ना मिक्स था, ढेर था ये एक, तो उस ढेर में से जो आपको अपनी पसंद की चीज़ लगती है वो चीज़ आप इनसे परचेसिंग कर सकती है। लोअर वगैरह, सिंपल सलवार, पटियाला सलवार, इस टाइप के सारे कलेक्शन थे। और ये सारे कलेक्शन इसमें यूज्ड नहीं है, ये सारा का सारा फ्रेश मिलता है यहाँ पर। हाँ कुछ कुछ भैया लोग रखते हैं तो वो चीज़ समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं वो हम मतलब सारा पुराना या यूज्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब उसमें कुछ पीस रह सकते हैं यूज्ड वाला, बाकी मोस्टली भैया लोगों के पास, मोस्टली के सभी के पास ना क्या कहते हैं फ्रेश कलेक्शन ही होता है। मतलब 10 जैसे 100 पीस है, 100 पीस समझ लीजिए 20 पीस में भी यूज्ड वाले उसमें पड़े हुए रह सकते हैं, तो वो तो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ये ब्लैंकेट यहाँ पर मिल रहे हैं, ये कर्टेंस यहाँ पर मिल रहे हैं, 160 के मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। या और ये वाले जो भैया दे रहे हैं ना, ये भैया दे रहे हैं 250 रुपीज़ में आपको 2 पीस कर्टेन मिल सकते हैं। ये जितना भी मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ ना, ये भैया जी का मतलब 250 रुपीज़ में 2 पीस ही मिलने वाला है। इससे पहले ही मैंने जब आपको दिखाया था तो 150 में भैया 1 पीस दे रहे थे, अब इस बार भैया ने थोड़े से प्राइस जो है वो थोड़ा डाउन कर दिया। और इन्हीं भैया के पास आई, इन्हीं
फ्लावर वाली शॉप जो कि परमानेंट शॉप ये रहती है, बहुत ही रीज़नेबल और जेन्युइन प्राइस जो कि भैया जी अपनी मतलब इस आर्टिकल्स का बताते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जो कि बताते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन होता है, समझ में आ जाता है। हाँ, हम लोग क्योंकि हम शॉपकीपर्स नहीं हैं, मे बी शॉपकीपर्स को उनका अलग रेट होता होगा, बट हम जहाँ आसपास रहते हैं वहाँ पे इस रेट पे कहाँ कोई कुछ मिलता है, नहीं मिलता, तो हमारे लिए तो बहुत जेन्युइन रेट ही होता है ये। और इस टाइप के लेस तो बिल्कुल भरे पड़े हैं यहाँ पर ग्रीन मार्केट के अंदर, जैसे आप एंटर करेंगे ना वहाँ पर तो मतलब 3-4 के अब तो और भी भैया आ चुके हैं, वो लगाते हैं बल्क टू बल्क है, और लोगों के पास एक से बढ़कर एक मिलेगा आपको यहाँ पर 160 रुपीज़ में। ये वाला देखिए, ये कपड़ों, ये वाले बच्चों के छोटे छोटे कपड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये जैसे बाहर निकलते हैं ना 11 नंबर की गली से थोड़ा सा ही मतलब आगे चलना होगा, जहाँ मैंने भी आपको आंटी दिखाई थी ना रग वाली, जो कि बेडशीट या रनर वगैरह की मैंने बात की, वहीं पे हैं ये वाले भैया। और ये बिल्कुल अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर के पास, शनि मंदिर है यहाँ पर, और ये इसी के मंदिर के बैक साइड में हूँ मैं खड़ी यहाँ पर, और यहाँ पर ना ये भैया ये वाला इसमें ना आपको दुपट्टा मिल जाएगा, बॉटम मिल जाएगा और कुर्ता आपको मिल जाएगा। देखिए ये वाली ना स्टिचिंग इसमें रहने वाली है, यूज्ड बिल्कुल भी नहीं, देखिए नया कलेक्शन है, आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर यूज्ड होता तो सेम डिज़ाइन नहीं मिल सकता ना। तो ये बिल्कुल 200 रुपीज़ में ना भैया जी यहाँ पर 3 पीस प्रोवाइड करा रहे हैं, 3 पीस आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ के रेंज पर। कपड़ा बिल्कुल ही इसमें कॉटन का रहने वाला है, और ये सारे देखिए कलर्स ऑप्शन ये भैया जी के हैं, ये देखिए इस टाइप का आपको बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पर ये भैया जी रहेंगे, ये डिस्पेंसरी है, मोस्टली डिस्पेंसरी के पास का ही सारे कलेक्शंस हैं। और इन्हीं भैया के पास में है ये सिलाई वाले स्टिचिंग वाले भैया, जो कि स्टिचिंग के सारे आर्टिकल्स लेकर बैठते हैं यहाँ पर। भैया के पास आपको ना स्टिचिंग के सारे, जैसे कहते हैं सिलाई मशीन के फुट जो होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, चाहे वो पिको वाली हो या फिर फ्रिल बनाने के लिए, वो सारे के सारे आर्टिकल्स इनके पास मिल जाते हैं। काफ़ी सारे फुट हैं भैया जी के पास, जो कि आप चेंज कर करके डिज़ाइन भी डिफरेंट बना सकती हैं। और ये प्लाजो कटिंग के लिए स्केल मिल जाएगी, स्ट्रेट वाला मिल जाएगा, स्केल भी इनके पास है, छोटा वाला स्केल भी आपको यहाँ पे 10 रुपये का मिल जाएगा। ये कटर वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब चाहे वो चौक हो या फिर ये वाला स्केल, देखिए बहुत फेमस है, बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्पफुल है आज के टाइम पे, बहुत इजीली हम इससे कर्व कर सकते हैं। और ये भी है यहाँ पर 150 रुपीज़ में ना 2 पीस यहाँ पर सेल आउट कर रहे थे। और ये जैसे आपको इसमें सलवार मिल जाएगा, भैया देखिए दिखा रहे हैं मुझे भैया जी, ये सलवार है और ये इसका कुर्ता रहने वाला है। अभी मैंने आपको भैया जी दिखाए थे जो कि 200 रुपीज़ में 3 पीस दे रहे थे, और सिलाई स्टिचिंग या फिर सिलाई का सामान जो आर्टिकल सारा सेल आउट करते हैं, उन्हीं के सामने ही है ये भैया। और यहाँ पर ही मंदिर भी है, एक पीपल का पेड़ भी है, दो है यहाँ पे पीपल का पेड़, एक छोटा सा एक बड़ा सा। तो और ये देखिए पीछे देख रही है ऑरेंज कलर का एक ना बॉक्स सा कुछ ऐसा ये देखिए बना हुआ है यहाँ पर, तो यहीं का ही ये कलेक्शन है। ये देखिए वो 200 रुपीज़ वाले भैया है वहाँ पर, ये स्केल वाले भैया, और इसी ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स या लोहे का जो भी बना हुआ है ना, इसके पास ये वाले देखिए भैया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये आपको मैं पीपल का पेड़ दिखाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे ना तिरपाल वगैरह बेडशीट वगैरह काफ़ी बिछी पड़ी है, तो लोकेशन क्लियरली क्लियर नहीं हो रहा है, बट मैंने एक मोटा मोटा सा एक आपको क्लियर कर दिया है। और ये देखिए ऑपरेशन ऑफ डेली इस टाइप का ये रहेगा, इस वाले एरिया जो ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन में भी ना बहुत ही ना अच्छे अच्छे कलेक्शन ना इस वाले पोर्शन में सेल आउट होते हैं। ये जो आप जितने भी कलेक्शन ये देख रहे हैं ना, ये इसमें छोटे बच्चों के और बड़े बच्चों के मिक्स है इसमें, और इसमें से आप कुछ भी चीज़ आप अपनी पसंद कर ले सकते हैं। इसमें भी जैसे मतलब छोटे बच्चों की स्टार्टिंग जो 6 मंथ के बच्चे से लेकर आपको इसमें 8 साल तक के बच्चों के कलेक्शन मिल जाएंगे। और प्राइजेस तो बिल्कुल मतलब इतना इजी है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए बहुत ही कम रहने वाला है यहाँ पर प्राइस। सारा का सारा कलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ ना आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा। ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा कुर्ता है इसमें, और डिज़ाइन देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का ही रहने वाला है। ये जो एक कैप्री है, और ये भी आपको सिर्फ यहाँ पर ना 20 रुपीज़ की मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे भी एक ढेर टाइप का ही है, और ये भैया हमेशा यहीं पर 50 और 20 इसी दो प्राइस पर हमेशा ही ना यहाँ पर सेल आउट करते हैं। और इन्हीं के सामने है ये जो कि 150 रुपीज़ में ये इस टाइप की फ़्रॉक यहाँ पर, जो कि लॉन्ग फ्रॉक है, ये सेल आउट कर रहे थे, जो कि 12-13 साल की गर्ल्स के लिए बड़े आराम से ये आ जाएगा, और 6 इयर्स तक की इनके पास स्टार्टिंग थी। और ये देखिए ये सारे के सारे कलेक्शन इनके पास रहने वाले हैं। इनके पास के थोड़े से और आर्टिकल्स मैं देखिए आपको दिखा दे रही हूँ। ये इस टाइप का यहाँ पर ये लहंगा रहेगा, और लहंगे के साथ ये कोटी आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितने में, 150 रुपीज़ की रेंज पर।
और कहीं से भी ना कुछ मतलब कटा फटा इसमें नहीं था, बट इसमें फिर भी आपने चेक कर लेना, किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो होगा जो ये इतना सस्ता है, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कुछ गड़बड़ या कटा फटा या कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करके ज़रूर लेना। यहाँ से पूरी मार्केट में किसी से कुछ भी लेते हैं ना, रिटर्न का चक्कर मैं फिर से कह रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल मत पालना, रिटर्न वाला चक्कर बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपके काम की है, तो ही लो। मतलब भगवान भरोसे मत लो कि घर पे जाऊंगी तो देखूंगी नंद को आएगा या भाभी को आएगा या किसी को आएगा, फिर वो नहीं आएगा, उसे रिटर्न करने आओगे, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि ये जो हर दिन यहाँ पर आर्टिकल चेंज होते रहते हैं, और जो भले ही कितना प्यार से भी बोल देना, वो बाद में ना यहाँ पर नहीं करते हैं। कुछ भैया भले ही बोल दे, कुछ कर देते हैं, मगर उस कुछ को आप कैसे ढूंढोगे? और आज वो कुछ बहुत अच्छे हैं, कल वो वही वाले कुछ बुरे बन जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि प्लीज़ रिटर्न का चक्कर मत करो। जो समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल काम का है, उसे लो, जो नहीं है उसको मत लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ना फाइट बहुत होती है इन्हीं बातों को लेकर। और देखिए, 160 रुपीज़ में ना आपको एक कर्टन मिल जाएगा, और मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो ये 9 फुट का रहने वाला है। और इसके ये फैब्रिक देखिए कितनी शाइनिंग दे रहा है यहाँ पर। और ये मंदिर है यहाँ पर, और यहीं का कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। और चलिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आने वाले टाइम में देखिए यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप अपनी कोई भी ना महंगी चीज़ें जैसे फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी लेकर मत आइए। कोई भी गोल्ड की चैन मत पहनकर आना।